नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपने अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, अध्ययन बहुत बड़ा धन है। बच्चों के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? अध्ययन। और आप जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, आपको अपना भविष्य बनाना है तो इस समय आपके लिए सबसे बड़ा काम है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि भविष्य आपका है और भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावना में आपका बहुत प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। इसके लिए आप अभी से ही अपने दिमाग को एकाग्र करिए और अध्ययन कीजिए। इस समय हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, संस्कृत वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के वीडियो बना रहे हैं, तो आज क्लास 8 आपके लिए व्याकरण में प्रत्यय जो चल रहे हैं, उन प्रत्ययों में ल्यूट प्रत्यय है। आज हमने ल्यूट प्रत्ययों को लेकर वीडियो बनाई है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो आपकी क्लास 8th में ही नहीं, बल्कि आपके 9th और आपके 10th क्लास में संस्कृत में भी आता है। जी हाँ, ये ल्यूट प्रत्यय आपका पीछा कक्षा 10 तक नहीं छोड़ता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से, बारीकी से आज ही समझ लीजिएगा, आज ही इसको अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जाके इसको याद करने में और इसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। ल्यूट प्रत्यय आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल है। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में और सरल अर्थों में आपके सामने इसको यहाँ लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको इसे समझ में आएगा। तो आइए अब सीधे हम देखते हैं आज का टॉपिक, ल्यूट प्रत्यय। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ल्यूट प्रत्यय है, और ल्यूट प्रत्यय के कुछ फॉर्मूला मैंने लिखे हैं जो बहुत सरल हैं। यकीन मानिएगा, इस प्रत्यय को आपको तैयार करने में शायद सबसे कम समय लगेगा, क्योंकि ये इतना सरल प्रत्यय है। तो आइए इसके फॉर्मूले पढ़ें। लिखा है, ल्यूट प्रत्यय का अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अन। हमेशा याद रखिएगा ये, इसको आप गांठ बांध लीजिए कि ल्यूट प्रत्यय में हमेशा क्या शेष बचता है मेरे पास? अन। अन में न हलंत रहेगा और ये अन शेष रहेगा। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? यह धातु से भाववाचक के लिए प्रयोग होता है, यानी ये धातु से भाववाचक बनता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भाववाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा फॉर्मूला है, ल्यूट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होता है। ये एक कंपल्सरी है और बहुत ही अनिवार्य नियम है कि ल्यूट प्रत्यय जो होता है हमेशा नपुंसकलिंग अर्थ में बनता है, कभी पुल्लिंग में नहीं बनता है, स्त्रीलिंग में नहीं बनता है, हमेशा नपुंसकलिंग में बनता है। ल्यूट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में बनता है, आपको ये गांठ बांध लेनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए। आगे ध्यान देते हैं, तो लिखा है चौथा फॉर्मूले में, क्रिया कर्म के रूप में प्रयोग यहाँ होता है। यानी इस जो उदाहरण हम देखेंगे इस ल्यूट प्रत्यय के, इसमें जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर प्रयोग होती है। ठीक है, क्रिया जो है वो कर्म के रूप में यहाँ प्रयोग होती है। अब आइए इसे कुछ उदाहरण आपको समझा दें, बहुत सरल है, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि बात कर रहे थे हम ल्यूट प्रत्यय की, तो ल्यूट प्रत्यय में क्या शेष रहता है हमारे पास? अन। अन शेष रहता है, तो ये अन हो गया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प। अब क्या बचा हमारे पास? ठ। ठ चूंकि आधा है तो हम इसे यहाँ पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास, हमें इसमें जोड़ना है अ, अन, अन जोड़ना है। अन में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो है कि अन में हमने अ इसमें जोड़ दिया, तो ये पूरा ठ हो गया। अब आगे हम गए तो देखा ये क्या बना? पठन। ये बना हमारा पठन, लेकिन हमारा जो शब्द है ये नपुंसकलिंग में चलता है, तो क्या बनेगा? पठनम। ये हमारा शब्द बना पठनम। उसी प्रकार आगे अगर हम ध्यान देंगे तो शब्द है हमारे पास नम। हमने पहले लिखा न, फिर हमने लिखा म। म यहाँ आधा है, लेकिन ये अ पूरा यहाँ पर आया, तो ये क्या बना? पूरा म। और ल्यूट में जो है कि न है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न, न हमने लिख दिया। और उसके बाद में नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में हमने जोड़ दिया म। ये बना आपका नमनम। बहुत सरल है,
आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। शायद इससे सरल मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि कोई आपका टॉपिक होगा। बहुत इसी तरीके से इसके दूसरे रूप बनेंगे जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बड़े इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरल है। अब हम देखेंगे आगे तीसरा वाला लिखा है, पहले व फिर लिखा है च, आगे वच हो गया। च हमारा आधा था लेकिन अन जो है वो अ आ गया च में, तो ये पूरा च बन गया। अब हमारे को क्या बचा हमारे पास, न, हमने लिख दिया न। अन पूरा है तो हमने लिख दिया न। शब्द क्या बना, वच के आगे अन जोड़ दिया, ये बन गया वचन। लेकिन ये नपुंसकलिंग में होता है तो बना वचनम, वचनम ये हमारा बन गया। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ ध्यान देखेंगे, पहले लिखा है आ, हमने लिखा आ, आ के साथ में लिखा हुआ है गम, हमने यह लिखा ग, और म हमारा आधा है लेकिन हमने अब प्रयोग करना है यहाँ पे अन का। अन चूँकि अपूरा है म में गया तो ये म पूरा बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, पूरा न, क्या बचा, पूरा न, तो हमने लिख दिया न, तो ये क्या बना, आगमन। लेकिन नपुंसकलिंग में बनाना है हमको तो म अपने आप जुड़ जाता है, ये क्या बन जाता है हमारा, आगमनम। आ रहा समझ में, बस सिर्फ हमें अन जोड़ना है। अन जो है पूरा है, वो न तो पूरा एंड में आएगा ही आएगा, उससे पहले अ भी आएगा, तो अन हमने यहाँ पे हमने जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अगला वाला देखेंगे उदाहरण, तो लिखा है धाव, वह हलन था लेकिन अ अन का अ इसमें आ गया तो यह व पूरा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, न, तो हमने लिख दिया न, क्या बन गई, धावन। नपुंसकलिंग अर्थ में है तो हम इसमें लिखेंगे धावनम। न हमारा पूरा था, हमने पूरा न लिख दिया, म बचा तो हमने लिख दिया धावनम। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो देखेंगे दा है, तो दा के लिए हम लिखेंगे दा, और इसमें जाएंगे तो केवल दा है और यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने पहले दा लिख दिया और यहाँ है अन, तो हमने लिख दिया दा, आ इसमें आ गया, हमने लिख दिया न, क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा आ है तो ये छोटा आ जो है इसकी कोई मात्रा होती नहीं है। आपको पता है ये जो है छोटा अ जो है, अगर इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो इससे पहले वाला शब्द, अगर कोई कह सकते हैं कि अ अ प्लस अ बन के बनता है आ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ आधा होता दा, तो ये दा में छोटा वाला अ लग जाता, लेकिन दा अपने आप में दीर्घ है तो ये जो छोटा है ह्रस्व अ, ये दा के साथ जुड़ेगा नहीं। और अन जो है, अन में न भी पूरा है तो यहाँ न ही रहेगा, ये बन गया दान। अब हमने इसमें जोड़ा म, मकार नपुंसकलिंग, तो ये बन गया दानम। आ रहा समझ में, बहुत सरल है, बस कुछ नहीं करना है, दानम है। उसके बाद में पा प्लस ल्यूट, तो पा भी दीर्घ है तो पा पूरा लिख दिया। अब जोड़ना चाहिए हमको अन, अन में अ तो आएगा नहीं क्योंकि अ की कोई मात्रा होती नहीं है, आ की मात्रा होती है ना, तो हमने आ की मात्रा का, तो पा अपने आप में पूरा है तो हमने आ लिख दिया। अब अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती तो अ का प्रयोग नहीं होगा, न बाद में सीधे क्या लिखा है, न, न का प्रयोग कर देंगे तो क्या बनेगा ये, पान। नपुंसकलिंग में अर्थ में है तो ये हो जाएगा पानम। तो ये कुछ आपके उदाहरण थे जो मैंने यहाँ सामने लिखे हैं, ये बन गया पानम। बस केवल अन जोड़ना है, ल्यूट जो हमारा, जो हमारा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय में बस हमने अन का ही प्रयोग करना होता है, और इसके नियम भी ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, बस केवल अपने तीन जो हैं कि फॉर्मूले आप दिमाग में याद रखें हमेशा। पहला तो ये वाला ल्यूट प्रत्यय का अन शेष रहता है, दूसरा उसके बाद में आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि ये भाववाचक के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा ल्यूट प्रत्यय जो है शब्द उसके नपुंसकलिंग में अर्थ में प्रयोग होता है। किस में होता है, नपुंसकलिंग में, ना पुल्लिंग में, ना स्त्रीलिंग में, ओनली नपुंसकलिंग में जो है कि हमारा जो है कि ये ल्यूट प्रत्यय बनता है, इसका प्रयोग होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कुछ उदाहरण थे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, विद्यालय आइए और अच्छे से मेरे से पूछिए।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सरल है, तो फिर आप अपनी कॉपी में इसे लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके उदाहरण खुद बनाइए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि व्याकरण अभ्यास मांगता है। अगर आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। कोई भी कला हो, चाहे वो साहित्य हो, व्याकरण हो, संगीत है, या फिर कुछ भी हो, जितनी भी कलाएं होती हैं, टैलेंट होता है, वो सब प्रैक्टिस मांगता है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा उसने अंदर और निखार आएगा, आएगा कि नहीं। कोई संगीतज्ञ है, वो संगीत का रोज़ अभ्यास करता है तो लगातार उसमें नया परिष्कार आएगा। कोई ज्ञानी है, विद्वान है, तो अगर वो आएगा, विद्वान है तो वो पढ़ाई करेगा तो उसका ज्ञान लगातार बढ़ते जाएगा, और अगर वो रोक देगा पढ़ना और अपनी कला का अभ्यास करना तो उसकी कला वहीं पर नष्ट होना शुरू हो जाएगी, और एक समय के बाद वो अपनी सारी विद्या जिसमें वो तेज था वो कमज़ोर हो जाएगा। तो बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आपका अभ्यास रुके, कम हो, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान बने, संस्कृत के अच्छे ज्ञानी बने। इसलिए आप सभी को इस लिट प्रत्यय के ही साथ अपने सारे व्याकरण की जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, उनको अभ्यास करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। आज जो आपका टॉपिक था वो ये था। अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे, उसके बाद अपनी कॉपी में आप इसे कर पाएँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।